hashtag. What's up? This is your boy Mike Slayer. Actually, मैंने एक नई चीज़ शुरू की, एक नया प्रोग्राम शुरू किया है जिसका नाम है माइकोलॉजी, जिसमें मैं मेरे साइकोलॉजी से हर एक चीज़ बताता हूँ. अभी फ़िलहाल मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शुरू किया था डालना अपने थॉट्स, अपने कोट्स वगैरह. लेकिन कुछ दिनों से ये आसिफा का जो मैटर चालू है, जिसके ऊपर हर एक बंदा, हर एक चूतिया बंदा अपनी चुतड़ कटवाने के पीछे लगा हुआ है. मतलब जिसकी औकात नहीं है उस चीज़ के बारे में बोलने की, उसको भी उस चीज़ के बारे में बोलना है. उसको भी अपने व्हाट्सएप के डीपी चेंज करना है, आसिफा का फ़ोटो रखना है. जबकि वो बंदा अपने में ये चीज़ें करता है कि रास्ते पे अगर कोई रास्ते पे लड़की जाते हुए दिखे ना, उसको देख के अपने दिमाग में गंदी सोच बना लेगा कि अरे क्या लड़की जा रही है यार, क्या पटाखा है, ये वो है, और फिर घर जाके मुंह पेल देगा. और ऐसे बंदे आज के डेट में व्हाट्सएप पे डीपी चेंज करे, ये दिखा रहे जस्टिस फॉर आसिफा. ये सब चीज़ देख के ना मेरा दिमाग ख़राब होता रहता है. ऊपर से कल रात को मेरे को एक दोस्त ने मेरे मैसेज किया, कॉल किया एक्चुअली. कॉल करके बोलता है भाई आसिफा के लिए ट्रिब्यूट बनाते, एक गाना लिखो, गाना बनाएंगे. जब उसने बोला तब मेरा दिमाग और चमका. मैंने बोला बहन सब, हर एक बंदा अपनी रोटी सेकने के पीछे क्यों लगा है? उस बंदी पे क्या गुजरी, किसी को लेना देना ही नहीं. तुम लोग को ये पता है जनवरी 10 तारीख को वो बंदी गायब हुई थी, 17 तारीख को डेड बॉडी मिली. इस हिसाब से तो बहन सब इस चीज़ को काफ़ी टाइम हो रखा है. अब जाके हमारी गांड क्यों फट रही, अब जाके हम लोग क्यों बोल रहे हैं कि नहीं भाई उसको इंसाफ मिलना चाहिए. तब तुम्हारी आत्माएं क्या सो रही थी घोड़े बेच के? क्या मतलब, क्या हो क्या रखा था तुम्हारे दिमाग में? अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर हम लोग की, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा तुम्हारी, मैं खुद को भी उस गिनती में लेता हूँ क्योंकि मैं भी इंसान हूँ. हालांकि मैं ऐसा सोचता नहीं हूँ जैसे आप लोग सोचते हो, लेकिन एक नॉर्मल मेंटेलिटी है, ह्यूमन मेंटेलिटी है. लड़की दिखेगी ना भाई तो बहन सो दिन में चांद तारे सब कुछ दिख जाता है. ऐसा लगता है कब ये हाथ में आए और कब हम कुछ करें. ये हर एक मर्द की ख्वाहिश होती है. 99% 1% कुछ है, 1% नहीं 2% बोलूँगा, 1% है जो ऐसे है और दूसरे 1% है जो खुद के ऊपर कंट्रोल रख सकते. बाकी के 98% तो ऐसे ही है जिनका खुद पे कंट्रोल नहीं है, जिनको बहन सो नज़रों से भी रेप करना आता है. मतलब रेपिस्ट तो वो लोग ऐसे भी है नज़रों से क्यों ना हो. और आज के डेट में दूसरे रेपिस्ट के बारे में ये बोल रहे कि बहन सो वो लोग को मार के लटका दो, गोलियां मार दो उनकी. अबे पहले अपने खुद के ज़मीर के गोलियां मारो. तुम लोग जब दूसरे की बहन बेटियों की इज्जत नहीं करते हो, उनको रास्ते पे खड़े रह के छेड़ते हो, तब बहन सो तुम लोग ये क्यों नहीं सोचते हो कि यार जो लोग रेप करते हैं वो लोग भी यही चीज़ से पहले गुजरे होंगे, बाद में बहन सो रेप पे पड़े होंगे. दोनों में फर्क क्या है पता है? वो लोग के गांड में ना गुर्दा होता है इतना कि वो लोग लड़की को जगह पे उठा के लेके जा सके और रेप कर सके. और तुम्हारे गांड में उतनी ताकत नहीं है तो तुम लोग लड़कियों को पटा लेते हो, उसके साथ जो करना है कर लेते हो, और उसके बाद उसको बोलते हो. बहन जी देखो कैसा है पता है, मैं आपसे प्यार नहीं करता था, ये मुझे आज पता चला. मैं आपसे नहीं, मैं इससे प्यार करता हूँ, तो टाटा बाय बाय. मतलब अपना मतलब निकालने के बाद तुम लोग भी बेंच वही चीज़ करते हो जो वो लोग कर रहे हैं. फर्क इतना है, उन्होंने जान से मार दिया, तुम लोग ने उसको आत्मा से मार दिया. पहले अपने ज़मीर में झाको, अपने आप को जज करो, बाद में दूसरे को जज करने की सोचो. इंडियन मेंटेलिटी, इंडियन ही बोलूँगा मैं क्योंकि मेरे को ये नहीं दिखता. पहली बात मुझे ये बताओ ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि बेंच आसिफा के मैटर में मुसलमानों और हिंदू के बीच में कुछ जंग छिड़ी हुई है. वो जंग कुछ छिड़ी हुई मेरे को दिख ही नहीं रही है. पहली बात तो ये है, जैसे कि मैंने कुछ लोगों से सुना कि यार हिंदू लोगों पे बिना वजह का इल्ज़ाम लगाया गया है. मैं बोलता हूँ पहली बात तो वो लड़की मुसलमान थी, वो पाई गई हिंदू धर्म के अपने मंदिर में. तो पहली बात ये है, अगर मुसलमानों ने करना होता तो वो लोग हिंदू लड़की के साथ करते, मुसलमान लड़की के साथ नहीं करते. दूसरी बात यह है, उन्होंने मंदिर में रखा ठीक है, तो फिर बहन चो जितने आरोपी मिले सब हिंदू क्यों मिले? अबे मैं खुद हिंदू हूँ, लेकिन मैं खुद ये चीज़ क्यों बोल रहा हूँ पता है? सच को जानने की कोशिश करो. ये नहीं कि कोई भी बकचोदी पेल के जाए और हमने भरोसा कर लेना और अपनी गांड पटकनी है कि नहीं बहन चो ये सच है. अपनी आँखों से देखो, अपने दिल को पूछो, सच क्या हो सकता है, झूठ क्या हो सकता है. पहली बात तो ये, हमारी परवरिश ऐसे सोसाइटी में हुई है जहाँ पे ना
7 के बाद बैंड चोर लड़की को घर से बाहर जाने मनाही है, लेकिन लड़का अपनी गांड मरा सकता है। लड़का रात को 11 बजे आए, उसको माँ बाप कोई कुछ नहीं पूछेगा कि बेटा कहाँ गांड मरा रहा, लेकिन लड़की जाके आएगी ना तो बाप पहले पूछेगा, माँ से पहले बाप पूछेगा कहाँ मुँह काला करके आया। ये हमारी इंडियन सोसाइटी है। ऐसे सोसाइटी में हम लोग रहते तो आप लोग क्या चाहते हो कि बैंड चोर लड़कियाँ सेफ कैसे रहे? और ये आजकल मैं टैगलाइन बहुत सुन रहा हूँ कि लड़की बचाओ। मैं बोलता हूँ बहन चोद, लड़की बचाने से पहले लड़के को बचाना सीखो। अरे तुम्हारे लड़के इतने बिगड़े हुए कि वो लोग के ऊपर अपना खुद का कंट्रोल नहीं चल रहा है। कहीं भी खड़ा हो जाता है बहन चोद, निकल जाते हैं रेप करने के लिए। वो लोग की मानसिकता तुम लोग ने अपने खुद के लड़कों की, अपने खुद के लौंडों की मानसिकता क्या कर रखी है कि बहन चोद खड़ा हो गया तो बस भाई अब रेप करना है। बाकी यार घर पे बीवी तो खाना बनाने के लिए रखी है, शादी करके क्या करना, कुछ नहीं करना बहन चोद, रेप करना, रेप करके मजा आएगा। क्या मेंटेलिटी है ये? यहाँ पे लड़कों को तुम लोग ऐसा ट्रीट करके ऐसे बड़े कर रहे हो, और वहीं पे लड़कियों को ये दिखा रहे हो कि बेटा तेरे से कुछ ना हो पाएगा, तू बहन चोद घर पे रह, चूल्हा चूका कर और ऐसे ही अपनी जिंदगी बिता। जबकि देखने जाओ तो बहन चोद अकेले लड़के से तो बहन चोद एक बच्चा पैदा नहीं हो सकता बिना लड़की के। फिर भी तुम लोग लड़कियों को कम समझ रहे हो और लड़कों को इतना समझ रहे हो कि इतनी छूट दे रखी है कि बहन चोद वो लोग गंद मचा रहे आज, इतनी गंद मचा रहे कि एक्चुअल में ना इंसानियत को शर्म आ जाए। आज के डेट में मुझे खुशी है कि मैंने ऐसे गाने बनाए, मैंने ऐसी चीज़ें लिखी है जहाँ पे मेरे को, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को शर्म आती है खुद को इंसान बोलने में, क्योंकि वो चीज़ है, वही चीज़ हो रही है। इंसानियत नाम की चीज़ बची ही नहीं है। हम हमारे बच्चों को वही सिखा रहे कि बहन चोद क्या बचा है इंसानियत में, अगर तेरे को कोई एक रपेट लग के दे तो भोसड़ी के उसकी माँ चोट दे, गांड मार उसकी माँ, इतना मारना हो अगली बार तेरे नाद में लगने से पहले 100 बार सोचे, लड़की क्यों ना हो उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दे, मत छोड़ियो भाई, यही कर, कल को तेरी बहन के साथ भी यही होगा, तेरी बेटी के साथ भी यही होगा, उसके बाद ये सोचना कि बहन चोद कोई तो आके ऐसा बोल के गया था। कसम से मेरी हट रखी है इस चीज़ के ऊपर, इससे ज़्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि तुम लोग के मोटी बुद्धि में कुछ घुसने नहीं वाला। तुम लोग को सिर्फ एक ही चीज़ दिखती है कि यार लड़की है, दो टांगे है, बस मतलब अपना निकालना है। अबे तुम्हारी भी दो टांगे है, उसके बीच में तो ऐसी चीज है मैं मार दूंगा तो तुम्हें तो बहुत मजा आए ना है, मुझे तो बहुत मजा आएगा। तुम्हें मजा आता है ना रेप करने में, मुझे उन दो टांगों में मारने में बहुत मजा आएगा। आओ कभी मिलो, फिर तुम लोग को मैं याद दिलाता हूँ, इससे ज्यादा मैं कुछ बोलूंगा नहीं। तुम लोग को आइडिया आ चुकी होगी कि अभी फिलहाल इतने महीनों से मैं शांत था, अब तुम लोग ने मुझे चाबी दी है, अब तुम लोग ने जो मुझे भड़काया है ना उसका नतीजा क्या होगा। बंद कर बैंक।